सभासदों, माननीय सभापति जी, नहीं ऑनरेबल मेंबर्स, मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहाँ से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है, ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। आई लीव इट टू योर साउंड विजडम। नहीं, यदि अगर कोई ऐसी संस्था जिसका बहुत बड़ा स्थान है देश की राजनीति में और वो ऑफिशियली ऐसा करते हैं, I can only express my pain, my anguish, और सबसे खतरनाक बात यह है, when I thought it wise to share my anguish, my sentiment with one of the senior leaders, it resulted in more challenging scenario by putting it on Twitter. I thought wisdom will dawn, they will reflect. I am a modest man. Arrogance can never be part of my life. By nature, I am humble. If I am not, I'll try to be more humble. But अपने को संस्कारों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सांस्कृतिक विरासत है झुकना, नमस्कार करना। पद की गरिमा तब रहती है जब आदमी ज्यादा से ज्यादा झुके, और ये पीड़ा मुझे उन लोगों ने दी है जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ।